हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। 5 अगस्त के दिन अयोध्या उन लम्हों की साक्षी बनेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी और भूमि पूजन होगा। इस कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में तैयारियां काफी तेजी से चल रही हैं। आइए जानते हैं कि 5 अगस्त के दिन रामलला को किस तरह की पोशाक पहनाई जाएगी और कौन है वो दर्जी जो रामलला की पोशाक सिलेगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या, अयोध्यावासी और करोड़ों राम भक्तों का राम मंदिर बनने का सपना अब सालों बाद साकार रूप लेने जा रहा है, जिसको लेकर अयोध्या ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोगों में उत्साह और उमंग का माहौल है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर एक तरफ जहां रामनगरी को त्रेताकालीन स्वरूप दिया जा रहा है, तो वहीं ये क्षण रामलला के दर्जी के लिए भी बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहा है, जिसको लेकर वो खुद भी उत्साहित हैं। रामलला के दर्जी को इस बार रामलला के लिए विशेष तरह की पोशाक बनाने का जिम्मा सौंपा गया है जो नवरत्नों से जड़ित होगा। मैं तो खुशी तो बहुत मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ 4 पीढ़ियों से राम जी का काम हो रहा है। राम जी का काम हमारे 4 पीढ़ियों, बाबा जी की, पिताजी की, अब हमारे बड़े भाई साहब भगवत प्रसाद पहाड़ी, हम शंकर लाल और भतीजे लोग भी कर रहे हैं, यानी 4 पीढ़ी हमारी चौथी चल रही है। और हमारे यहाँ श्री पिता श्री बाबूलाल जी सन 85 में रामलला का पोशाक मशीन हमारी यहाँ राम जन्मभूमि में गई और वहाँ बैठ करके हम दोनों भाई और पिताजी वहाँ सिलाई पहले होता रहा, लेकिन 90 के बाद 97 में जब ढांचा गिरा उसके बाद से अब यही पोशाक आता है, यही बनाया जाता है, नहीं पहले हम लोग वहीं बनाते रहे और वहीं सारा काम होता रहा। बता दें कि कई पीढ़ियों से रामलला के वस्त्रों को सिल रहे स्वर्गीय बाबूलाल का परिवार आज भी भगवान राम के वस्त्रों को सिलकर इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं, जबकि वो खुद अपने परिवारों का कपड़ा दूसरे दर्जी से सिलवाते हैं। टेलर की दुकान चला रहे भगवान प्रसाद पहाड़ी और शंकर लाल की माने तो उनका कहना है कि हमारा परिवार पिछले 4 पीढ़ियों से रामलला के लिए वस्त्र की सिलाई करता आ रहा है। उन्होंने और उनके परिवार ने वो दौर भी देखा जब रामलला तालाबंद मंदिर में थे। लंबे संघर्ष के बाद ताला खुला तो भगवान टेंट में पहुंचे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला आया और भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बनने का हम सब का सपना साकार होने जा रहा है, जिसको लेकर उनको बेहद खुशी है। अयोध्या के मंदिरों में भगवान की पोशाक दिन के हिसाब से निर्धारित होती है। इसी परंपरा का पालन अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में भी किया जाएगा। रामलला के दर्जी भगवत प्रसाद का कहना है कि रामलला के 7 दिन के 7 वस्त्र होते हैं। रविवार को गुलाबी, सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम कलर और शनिवार को नीली पोशाक रामलला के बनते हैं। 5 अगस्त को बुधवार है, इस दिन रामलला हरा वस्त्र धारण करेंगे। इसमें भगवा रंग का गोटा लगा है, पीला गोटा लगा है, लाल गोटा भी लगा है, पीली छड़ी लगी है। इसके अलावा इसमें रत्न जड़े जाएंगे, नवरत्न की माला भी पहनाई जाएगी। उस समय जो हरा रंग पहनाया जाएगा वो हीरे से जड़ित होंगे, रत्नों से जड़ित होंगे, और जो ये सावन का मौका है, सावन का जो महीना है जहाँ हरियाली होती है, तीज होते हैं, और जब भगवान रामलला हरे रंग की पोशाक उस दिन पहनेंगे तो उस दिन का आलम ही कुछ और होगा। आकाश सोनी, पार्लियामेंट्री बिजनेस, अयोध्या। इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।